तो जब मधुबन में आए तो ऐसे लगा कि ये तो अपना ही घर है। तो समय समय पर मधुबन में बाबा से प्यार मिलता रहा, बाबा के साथ इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बाबा के कमरे में बाबा के साथ भोजन करने का भी सुअवसर मिला, और बाबा के साथ अंगुली पकड़कर सैर करने का भी मौका मिला, और बैडमिंटन खेला बाबा के साथ। और 69 में जब बाबा अव्यक्त हो गए तो हमारी कुमारियों की भट्टी रखी हुई थी, दादियों ने भट्टी रखी, भट्टी का प्रोग्राम बनाया। तो उस समय अव्यक्त बाबा ने भट्टी का उद्घाटन करना था, तो सब कुमारियां लाइन में बैठने लगी। तो सबको ये था कि हम आगे आगे बैठे, बाबा की गद्दी के सामने बैठे, तो हमको भी था हम भी गद्दी के सामने बैठे, तो हम भी बीच बीच में घुसने लगी। इतने में बड़ी दीदी जी आ गए और बड़ी दीदी जी ने मुझे एक लाइन के एक किनारे में बिठा दिया। और जैसे ही बाबा का आगमन हुआ तो सबसे पहले बाबा ने मेरे पर दृष्टि डाली और दृष्टि देकर मुझे बुलाया और बुलाकर मस्तक पर विक्ट्री का तिलक लगाया और वरदान दिया कि उम्मीदवार फूल हो। तो समय समय पर बाबा के इस वरदान ने मुझे कार्य में बहुत हिम्मत भी दी, मदद भी की कि बाबा ने मेरे से उम्मीदें रखी हैं, तो मुझे बाबा के कार्य में हर तरह से सहयोगी रहकर आगे कार्य करना है, रुकना नहीं है, चलते ही रहना है, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, कोई भी बात हो। तो मुझे बाबा का वो वरदान समय समय पर मदद करता रहा हर क्षेत्र में।